25 जून की रात्रि को अकबरनगर पेट्रोल पंप के पास लूट की घटना में संलिप्त चार अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता कर सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने दी जानकारी। 25 जून की रात्रि सुल्तानगंज से भागलपुर की ओर शाकचक 12 नंबर गुमटी का रहने वाला मोहम्मद जहांगीर का पुत्र फल व्यवसायी मोहम्मद औरंगजेब के ग्लैमर मोटरसाइकिल से आने के क्रम में जैसे ही अकबरनगर पेट्रोल पंप आम बगीचा के समीप पहुंचा तो आगे से आ रहे अपाची मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात चार अपराधियों के द्वारा घेर कर चाकू से प्रहार कर जख्मी करके सैमसंग कंपनी का मोबाइल, मोटरसाइकिल के डिक्की में रखे 16,000 रुपए अपराधियों ने लूट लिए थे और चारों अपराधी नाथनगर की ओर भाग गए। ये केस अकबरनगर थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया था। अनुसंधान के क्रम में लूट की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, साथ ही घटना करने में संलिप्त चार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में प्रहलाद कुमार, अनमोल कुमार, कुणाल कुमार और धर्मराज कुमार है। वहीं अपराध कर्मी अनमोल कुमार के घर से लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। साथ ही अनमोल कुमार उर्फ गोलू कुमार, प्रभात कुमार उर्फ छोटू और कुणाल कुमार का आपराधिक इतिहास भी है। ये जानकारी सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर दी। 25 जून की घटना है। एक फल व्यवसायी मोहम्मद औरंगजेब, जो कि शाकचक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो अपने फल का तगादा कर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से वापस आ रहे थे और अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आम का बगीचा है, सुनसान एरिया पड़ता है, वहाँ पे करीब चार अज्ञात अपराधियों ने दो मोटरसाइकिल पे सवार होकर इनको चाकू से जख्मी कर दिया था और इनका बाइक लूट लिया था और जो इनके पास 16,000 रुपये थे और इनका मोबाइल था, आईपैड था, ये सारी चीज़ें लूट ली थी। हम लोगों ने तत्काल इस लूट में FIR दर्ज किया था और अपराधियों की पहचान की गई। चारों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो लूटी गई बाइक थी और कुछ पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। इन चारों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें से तीन नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक अकबरनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से एक अनमोल कुमार उर्फ मोनू है नाथनगर का, ये एक बार जेल गया है शराब के कांड में। प्रहलाद कुमार उर्फ छोटू है नाथनगर थाने एरिया का, ये फरवरी में जेल गया था चोरी और मारपीट में, अभी जस्टी बेल पे छूट कर आया था। और कुणाल कुमार है, वो भी शराब में जेल गया है। इसमें थानाध्यक्ष की भूमिका सराहनीय रही है और बजरा बी टीम के प्रभारी हैं सूरज कुमार सिंह, उनकी भूमिका भी सराहनीय रही है। और ये अनुसंधान जल्दी हम लोग केस को चार्जशीट करेंगे और सभी अपराधियों की TI परेड कराएंगे और स्पीडी ट्रायल में भेजेंगे ताकि उनको सजा मिल सके। कुछ पैसे बरामद हुए हैं, करीब 2,000 के आसपास पैसे बरामद हुए हैं और जो लूटी गई बाइक थी वो बरामद कर ली गई है।